डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में। नगर परिषद हमीरपुर में सीटू संबंधित रेहड़ी फड़ी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से मिला। रेहड़ी फड़ी यूनियन ने कार्यकारी अधिकारी से दिनेश कुमार की रेहड़ी जल्द से जल्द बहाल करने की गुहार लगाई, जिसे नगर परिषद ने बीते सोमवार को सामान सहित जब्त किया था। यूनियन का कहना है कि दिनेश कुमार पिछले 8 वर्षों से हमीरपुर शहर में रेहड़ी लगाने का काम करता है, जिसे एक हफ्ता पहले पुलिस वाले यहां से हटाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। यूनियन ने दिनेश कुमार को शहर में उपयुक्त जगह पर रेहड़ी लगाने की अनुमति प्रदान की गुहार लगाई है, ताकि वे भी अपने परिवार का सही पालन पोषण कर सके। रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रधान श्री ब्रह्मदास और सचिव बाला नेगी के उसमें जो है नेतृत्व के अंदर जो है रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन जो है कार्यकारी अध्यक्ष नगर परिषद के साथ मिली है। इसमें जैसे पिछले कुछ हफ्ते से जो है एक दिनेश कुमार जो रेहड़ी लगाने का काम करता था, उसको जो है पहले पुलिस जो है परेशान करती रही है इस बात को लेकर कि आप अपनी रेहड़ी उठा लो या इस शहर से जो है दफा हो जाओ कहीं के लिए। और पिछले कल जो है 20 सितंबर को जो है नगर परिषद ने उसकी रेहड़ी को जो है उठाकर जो सामान से जो है अपने कब्जे में ले लिया है, और उसे जो है बार बार इस बात को लेकर जब धमकाया जा रहा है कि यहां पर जो है इस शहर के अंदर रेहड़ी ना लगाया जाए, तो इस बात को लेकर जो है आज हम रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन की तरफ से जो है उस मसले को लेकर जो है कार्यकारी अध्यक्ष से मिले हैं कि उस दिनेश कुमार को जो है किसी हमीरपुर शहर के अंदर जो है उपयुक्त जगह जो है प्रदान करी जाए, और उसके साथ साथ जो है उसका जो है इस हमीरपुर शहर के अंदर जो है रेहड़ी लगाने के लिए जो है स्थायी नियुक्ति जो है करी जाए। दूसरा, इसके साथ जो उसकी रेहड़ी को जब्त करा गया है उसको जो है तुरंत रिलीज करा जाए। इन मांगों को लेकर जो है आज कार्यकारी अध्यक्ष के साथ जो है रेहड़ी फड़ी यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल जो है आज कार्यकारी अध्यक्ष से मिला है, और इस बात को लेकर जो है कार्यकारी अधिकारी ने जो है अपना आश्वासन भी दिया है कि उसको जो है उपरोक्त जगह पर जो है स्थान दिया जाएगा और साथ में जो उसकी रेहड़ी को जो है रिलीज कर दिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से रवि ठाकुर। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।